आप सभी का स्वागत है मिशन बोर्ड्स फॉर 100 मार्क्स में। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक पूरे करके दिए थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच साइड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। फिगर आपके स्क्रीन पर आ ही रहा है। If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the TSA of the article. देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहले मैं आपको इसका फिगर बना के दिखाता हूँ। एक चीज का ध्यान रखना, जो भी फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है या उस फिगर की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब किस तरह से एक सिलेंडर है जिसमें ये हेमिस्फेरिकल स्कूप ऊपर से भी काटा है और ये स्कूप एक नीचे से भी काटा है और कह रहा है कि आपको इसका TSA निकालना है। देखो बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो लिख लेते हैं। देखो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज द रेडियस गिवन टू यू, रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। तो पहले कैसे लिखेंगे कि हाइट ऑफ सिलेंडर, फिर एच लिखकर, छोटा एच लिखकर क्योंकि मैं छोटे एच से डिनोट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फिर रेडियस की बात करें इसको मैं छोटे आर से डिनोट कर रहा हूँ, ये है 3.5 सेंटीमीटर। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डेसिमल फॉर्म है ना, तो जब फाइनल आंसर हो तो डेसिमल फॉर्म ठीक रहता है, वरना अगर आप इसे कैलकुलेशन में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखना, 7/2 सेंटीमीटर लिख लेना, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हमें हाइट पता है, हमें रेडियस पता है, हमें पता है कि सिलेंडर में यहाँ से भी एक हेमिस्फेरिकल स्कूप निकाला है, यहाँ से भी एक हेमिस्फेरिकल स्कूप निकाला है, तो इसका TSA क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। अब इसमें यह तो कंफर्म है कि TSA का डायरेक्ट फॉर्मूला तो लग नहीं सकता। एक चीज बता रहा हूं, मान लीजिए ये एक सिलेंड्रिकल मेरा वही पाइप है। अब ये जो हिस्सा है ये वाला, ये तो होता है CSA जो कि 2πRH होता है, तो ये कितना होता है 2πRH प्लस, लेकिन यहां तो एक गड्ढा हो गया क्योंकि ये तो बाहर निकाल लिया ना, जैसे आइसक्रीम के ब्रिक में से मैंने ये स्कूप बाहर निकाल लिया है, तो जो स्कूप बाहर निकाला है तो ये स्कूप इस तरह का गड्ढा हो जाएगा वहां पर, ठीक है, और गड्ढा होगा ये वाला, और ये गड्ढा क्या है एक्चुअल में, ये है CSA ऑफ द हेमिस्फीयर जो कितना होता है 2πR² प्लस, इसी तरह गड्ढा नीचे भी हो गया, ठीक है, ये गड्ढा, ये मतलब यहां पर ये है ही नहीं एक तरह से, ये मान लो, तो ये वाला जो चीज है ये अंदर का जो एरिया ये भी निकालना पड़ेगा, और ये भी क्या है एक्चुअल में CSA ऑफ हेमिस्फीयर, वो कितना होता है 2πR², तो पूरा आपका फॉर्मूला क्या हो गया 2πRH जो कि CSA है आपके सिलेंडर का प्लस 2πR² प्लस 2πR² 4πR², ठीक है, कॉमन निकलता है तो निकाल लो, काफी आसान रहेगा, 2 बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा और एक r बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर है, पाई बाहर है, r बाहर है, एक h आ गया, प्लस इसमें एक 2 रह गया, पाई बाहर है, r बाहर है, एक r रह गया, बस। अब आपको कैलकुलेशन करना है वैल्यूज डालकर, तो 2 × 22/7 r, मैंने कहा था कैलकुलेशन करते समय इसको आप 7/2 रखना, एच कितना है 10 और 2 × r, तो 2 × 7/2, ठीक। नेक्स्ट 7 से 7 चला गया, 2 से 2 चला गया, क्या बचा बाहर 22, अंदर देखिए 2 से 2 चला गया तो 10 + 7 कितना आ गया 22 × 17। चलो इसको आप खुद कैलकुलेट कर लेना क्योंकि एरिया निकाल रहे हो ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपना फाइनल आंसर हो गया। ध्यान रखना ये फिगर बनाना बहुत जरूरी है और सारे फिगर आप पेंसिल स्केल से ही बनाओगे, कोई भी फिगर पेन से मत बनाना एग्जाम में, ठीक है, इस तरह से पूरा प्रॉपर लिखकर पूरा फॉर्मूला डालकर और सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए 16th क्वेश्चन का एक बी पार्ट भी दिया हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं 16th को बी मान लेता हूं उसको, ठीक है। क्वेश्चन है कि अ हीप ऑफ राइस इज इन अ फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ बेस रेडियस 24, ठीक है, अ हीप ऑफ राइस इज इन अ फॉर्म ऑफ ए कोन, कोन की फॉर्म में चावल रखा हुआ है, ठीक है, इस फॉर्म में, उसका बेस डायमीटर 24। अब डायमीटर आपको मैंने पहले ही बताया था कि डायमीटर से अपना कोई काम नहीं, हमें तो रेडियस चाहिए, तो रेडियस कैसे आएगा, जो रेडियस होता है वो एक्चुअल में डायमीटर का आधा होता है, तो 24 का आधा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, तो रेडियस मुझे कितना लिखना है, रेडियस हो गया 12 मीटर और हाइट भी दिया 3.5, तो h इज इक्वल टू 3.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक, यहां लिख लीजिए हाइट इज इक्वल टू जिसको h से डिनोट कर रहे हैं 3.5 मीटर और जब कैलकुलेशन करूंगा तो कितना लिखूंगा 7/2 लिख दूंगा इसको, ठीक है, आसान हो जाता है कैलकुलेशन इससे।
कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइस। तो सिंपल, क्योंकि राइस कॉनिकल फॉर्म में रखा हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ मुझे क्या निकालना है, कोन ही निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, 1/3 πr² h। डालिए फॉर्मूला, तो 1/3 π। अब r², r कितना है मेरा 12, तो 12 × 12, और h, hs और h, और h का वैल्यू 7/2। बस इसको सॉल्व करना है क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो मीटर क्यूब लगेगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको, 7 से 7 चला गया, ये हो गया 3 4 12, ये हो गया 2 6 12, तो आपके पास रह गया 22 × 4 6 24, और मीटर का क्यूब ये खुद सॉल्व कर लेना। बस अब तो सिर्फ मीटर क्यूब लगा के इसको आंसर को लिखना है। क्वेश्चन का अगला पार्ट भी है, हाउ मच कैनवस क्लोथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हिल। अब चीज का, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझने वाला चीज है, हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी चीज पर मतलब किसी सॉलिड फिगर पर आपको कपड़ा चढ़ाना है तो वो कपड़े का सिर्फ आपके पास लेंथ और ब्रेथ होगा। क्यों? कपड़ा तो रेक्टेंगुलर शेप में होगा ना, तो ध्यान रखो इस हीप पर जो कपड़ा चढ़ेगा वो रेक्टेंगुलर शेप का होगा, मतलब इस तरह से चौड़ी पट्टी होगी जिसके पास लेंथ और ब्रेथ होगा, जो इसके ऊपर ऐसे चढ़ा दिया जाएगा। तो ध्यान रखना इसका बाहर का एरिया उस कपड़े का एरिया हमेशा बराबर होगा, मतलब कोई भी सॉलिड फिगर पे अगर आप कोई कपड़ा चढ़ाओगे कपड़ा रेक्टेंगल ही फॉर्म में होगा हमेशा, मतलब आप इस बात को याद रख सकते हो, ठीक है? कपड़ा रेक्टेंगल फॉर्म में होगा और उसके पास सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होगा, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, और इसके सिर्फ आउटर पार्ट पे ही तो आप चढ़ाओगे, इसका जो आउटर सी ऐसे होगा वो कपड़े के एरिया के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीएसए ऑफ फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्लॉथ, ठीक है? अब सीएसए ऑफ फिगर क्या होगा, πr(l), और व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्लॉथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है? क्वेश्चन में आप कह रहा हाउ मच कैनवस इज रिक्वायर्ड टू कवर द ही, तो ध्यान रखना ये पूरा का पूरा कैनवस का जो एरिया है वही लगेगा इस पूरे को कवर करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि यहां से जो πr(l) आएगा वही एक्चुअल में एरिया ऑफ द कैनवस होगा। तो ध्यान रखना इसने आपसे डायरेक्टली नहीं मांगा कि फाइंड द सीएसए, इसने इस तरह से मांगा कि भाई मुझे बाहर के हिस्से को कवर करना है तो बताइए कितना कपड़ा लगेगा। तो बाहर के हिस्से का जितना एरिया होगा उस कपड़े का भी उतना ही एरिया होगा, तो बस आप πr(l) सॉल्व कर लो, आपको भाई क्लॉथ का एरिया आ जाएगा। तो πr, r है आपके पास 12, और l, अब l की डायरेक्ट वैल्यू तो अपने को है नहीं, तो चलो लिख देता हूं मैं, l का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ h² + r² इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्लॉथ 22/7 × 12 अंडर रूट ऑफ, अब हाइट कितना है, हाइट है अपने पास 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर, r² r है आपका 12, तो 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्लॉथ। चलिए अगला स्टेप देखते हैं, तो हो गया 22/7 × 12 अंडर रूट ऑफ, तो हो गया 49/4 + 144 इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्लॉथ, ठीक है? चलिए एलसीएम लेंगे, तो 22 × 12/7, अब इसको तो भी कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, यहां देखिए एलसीएम आ गया 4, तो हो गया 49 + 144 × 4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्लॉथ। 22 × 12 कितना होता है, ये होता है 264/7 एज इट इज रहेगा अंडर रूट ऑफ, अब जरा यहां पर भी लिख लेते हैं 49 प्लस, तो 4 4 = 16 वन कैरी, 4 4 = 16 + 1 17 वन कैरी, और ये 576 और अपॉन 4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्लॉथ, अब कितना आया 264/7 अंडर रूट ऑफ, छोड़िए तो 9 6 15 आ गया, वन कैरी हो गया, 7 और 4 11 1 12, और एक कैरी हो गया 625/4 इज इक्वल टू कितना आएगा एरिया ऑफ क्लॉथ, अभी हो गया 264/7 × अब 625 किसका स्क्वायर रूट है 25 का, और 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्लॉथ। अब क्या रह गया, सिर्फ इसको इंटू डिवाइड करने का काम रह गया, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर आ रहा है 6600/14 इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्लॉथ, मैं अगर इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा एरिया ऑफ क्लॉथ, जो एक्चुअल में पूरे के पूरे हीप ऑफ कोन को कवर कर लेगा, तो ये आ रहा है 471.428, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं ना तो मीटर स्क्वायर। तो लास्ट का जो क्वेश्चन था, हाउ मच कैनवस क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवर द हीप, ये है 471.428 मीटर स्क्वायर। एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको ये अराइज हो सकता है सर
क्वेश्चन में एरिया का मांगा है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर पूरे कवर करना है तो उसके आउटर पोर्शन को ही कवर करना पड़ेगा, और आउटर पोर्शन क्या होगा, हमेशा वो एरिया ऑफ द क्लॉथ होगा, एल इंटू बी। तो बस वही आपका फाइनल आंसर है। तो आंसर इज 471.428 मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 मैंने लिख दिया है, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। क्वेश्चन में मीडियन निकालना है, बस ये एक टेबल दिया हुआ है और कह रहा है कि फाइंड द मीडियन। तो ठीक है कुछ नहीं, सबसे पहले अपनी टेबल प्रॉपरली लिखते हैं, इसको मानते हैं सी आई, ठीक है। और ये क्या हुआ देखो, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 और 45 to 50। अब देखो आपको फ्रीक्वेंसी किस फॉर्म में, ध्यान रखना ये फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली सीएफ भी हो सकती है अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी हो तो। वैसे दिख ही रहा है, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ही नहीं, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम, तो पक्की बात है आपको फ्रीक्वेंसी ही दी हुई है। तो 49, 133, 63, 15, 6, 7, 4, 2 और 1। अब मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, पहले बहुत ध्यान समझे, इस 49 को तो एग्जैक्टली यहां लिख दें, कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट वैल्यू यहां लिखने के लिए इन दोनों को क्रॉस में जोड़े, ठीक है, ध्यान रखना। तो जोड़ो, तो 9 और 3 12, 1 कैरी हो गया, 4 और 4 8 और 1। तो देखो इन दोनों को जोड़ लो, 182 आएगा। अब यहां के लिए क्या करें, इन दोनों को जोड़ो, तो जोड़िए 3 और 2 5, 6 और 6 12 13 14, 1 कैरी हो गया, 245। अब इन दोनों को जोड़े तो 5 और 5 10, 1 कैरी हो गया, 4 5 और 6 260। अब इस वैल्यू के लिए फिर इन दोनों को जोड़े 266, फिर इन दोनों को जोड़े 6 और 7 13, 1 कैरी 7 और 273, फिर इन दोनों को जोड़े तो 277, फिर इन दोनों को जोड़े 279 और इन दोनों को जोड़े 280। मतलब डायगनली जोड़ते हैं हम सीएफ के लिए। अब मीडियन क्लास ढूंढनी है, उसके लिए पहले ये नीचे वाला जो टोटल है उसको आधा कर दो। अब देखो 280 को डिवाइड करो 2 से, कितना आ गया, 2 1 2, 2 4 8 और 0। अब चेक करो कि 140 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 140 से जस्ट बड़ी। अब देखो 49 तो छोटी है, 182 बड़ी है, और उससे तो बड़ी फिर ज्यादा आगे है ही, लेकिन जस्ट बड़ी, तो जस्ट बड़ी 182 है। तो ध्यान रखना ये 182 वाली जो लाइन होगी यही आपकी मीडियन क्लास कहलाएगी। मैं फिर से आपको बताता हूं कि कैसे मीडियन क्लास चुनते हैं। सबसे पहले जो सीएफ का लास्ट का टोटल आता है उसको आधा करते हैं, आधा आ गया 140, तो 140 से जस्ट अबव, ऊपर वाली, जस्ट ऊपर वाली आपकी कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 182 है, तो 182 वाली जो लाइन होगी वही आपकी कहलाएगी मीडियन क्लास, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह से मीडियन क्लास को चुनते हैं। अब मैं आपको मीडियन का फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं और ये सारी वैल्यूज यहां से टेबल में से निकाल के दिखाता हूं। तो देखो मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन होता है एल प्लस एन बाय टू माइनस का सी एफ अपॉन एफ और इंटू एच। अभी सारी वैल्यूज यहां से कैसे आएंगी उसको देखिए जरा। एल क्या होता है, एल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, कि मीडियन क्लास जो आपने चुनी है उसके सी आई की लोअर लिमिट। तो कितनी है यहां पर, वो है 10। अब है कैपिटल एन, तो कैपिटल एन का सिंपल सा मतलब होता है सिग्मा एफ आई, मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल, और ये फ्रीक्वेंसी का टोटल पक्की बात है ये 280 ही आ रहा होगा। आप ज्वाइन करके देख सकते हो इन्हें, ये ज्वाइन करोगे तो 280 ही आएगा, ठीक है। अब सीएफ, ये सीएफ में कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है जो फॉर्मूले में यूज हुआ है, कि जो मीडियन क्लास आपने चुनी है, ध्यान से सुनिएगा, जो मीडियन क्लास आपने चुनी है उससे पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फॉर्मूले में यूज किया जाता है। तो यहां पर सीएफ क्या हो गया, 49, ठीक है। एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास आपने चुनी है उसकी फ्रीक्वेंसी, वो कितनी दी हुई है, 133। और लास्ट में ये एच क्या है, एच इज द क्लास साइज, मतलब क्लास इंटरवल के बीच में कितने कितने का अंतर है, 5 5 का अंतर है। सारी वैल्यूज आ गई, फिर देख लो, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, एन होता है सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी का टोटल, सी एफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रिसीडिंग मीडियन क्लास, एफ होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, एच होता है क्लास साइज, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आ गई, अब बस इसे फॉर्मूले में पुट करना है। तो एल, एल है अपने पास 10 प्लस ब्रैकेट एन बाय टू, मतलब 280 बाय टू माइनस का सी एफ माइनस का 49 होल अपॉन एफ डिवाइडेड बाय 133 इंटू एच इंटू 5। तो 10 प्लस
चलिए ऊपर लेते हैं एलसीएम, टू आ गया एलसीएम, तो 280 माइनस 49 इंटू 2 अपॉन 133 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 प्लस, अब देखिए कितना आएगा ऊपर, 280 माइनस का 98 अपॉन 2, नीचे ही आ जाएगा 133 और इंटू का 5 इज इक्वल टू 10 प्लस ब्रैकेट, ये ऊपर कितना आ रहा है, ऊपर आएगा 182 और नीचे देखो ये आ जाएगा 266 और इंटू का 5। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन का ही पार्ट है, मेन पार्ट तो हो गया, तो 10 प्लस 182 इंटू 5 करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 910 और अपॉन 266, बस 10 प्लस। अब इसको पहले डिवाइड ही कर लेता हूँ, उसके बाद सीधा जोड़ दूंगा उसके अंदर, ये डिवाइड करके आ रहा है आपके पास 3.42 और फाइनल आंसर क्या आया 13.42। तो व्हाट इज द मीडियन ऑफ द क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ द क्वेश्चन इज 13.42। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 मैंने लिख दिया है, अब आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, कह रहा है कि इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको इवेल्युएट करना है। सबसे पहले देखो 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 को आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, 4 को नीचे ले आया 3 के, ठीक है। अब आपको tan का रिलेशन है और ये सारी वैल्यूज निकाल के इसके अंदर पुट करनी है, तो चलिए पहले अपना एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, यही तरीका है यहां पर। इस राइट ट्रायंगल में अब थीटा मैं इस एंगल को लूंगा, ठीक है, एबीसी ट्रायंगल का नाम मान लेता हूं और थीटा इसको लूंगा। अगर मैं थीटा इसको मानता हूं तो ये मेरा मेन एंगल हो जाएगा और इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हमेशा परपेंडिकुलर, यही नियम होता है, जो राइट एंगल होता है उसके सामने होती है हमेशा हाइपोटेन्यूज और जो बची हुई साइड होती है वो होती है बेस। अब ये जो टेन थीटा 3/4 है, ये कौन सी दो साइड का प्रोपोर्शन है, तो हमारे पास निमोनिक क्या याद रखने का, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो ये सोना मतलब साइन थीटा, चांदी मतलब कॉस थीटा और तोले मतलब टेन थीटा, तो टेन थीटा का रिलेशन क्या आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज बी सी और बेस कितना हो गया, यहां प्रोपोर्शन को आप डायरेक्टली 3 और 4 नहीं लिखोगे, आपको पहले कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे, लेट साइड्स बी डिनोटेड बाय, एक कांस्टेंट के डालेंगे, फिर आप लिख सकते हो बी सी बराबर कितना 3 के और ए बी बराबर 4 के। हमेशा ध्यान रखना कि जब ऐसे प्रोपोर्शन दिया होता है तो डायरेक्टली बी सी 3 और ए बी 4 नहीं हो सकता, ठीक है, उसके लिए पहले कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। लिखेंगे लेट द साइड बी डिनोटेड बाय के, अब बी सी को आप क्या लिख सकते हो 3 के लिख सकते हो, ठीक है, और ए बी को क्या लिख सकते हो आप 4 के लिख सकते हो। तो सबसे पहले ए सी निकालते हैं पाइथागोरस लगाकर, तो इन ट्राइंगल सी बी ए, तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, पूरा स्टेटमेंट डाल देना पाइथागोरस का, तो ए सी ये तो अपने को निकालना ही है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी 4k का होल स्क्वायर हो गया और बी सी 3k का होल स्क्वायर हो गया, कितना हो गया 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, 16 प्लस 9 इज 25k स्क्वायर, तो ए सी का वैल्यू आ गया अंडर रूट 25k स्क्वायर जो कि आएगा 5k, ये लीजिए हाइपोटेन्यूज भी आ गया। अब मुझे करना क्या है, साइन की वैल्यू निकालनी है, कॉस की वैल्यू निकालनी है और यहां पुट करनी है, तो चलिए साइन थीटा निकाल लेते हैं, उसका रेशियो देखो साइन थीटा था ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, याद रखने का तरीका फिर देख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो सोना इज साइन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो व्हाट इज माय परपेंडिकुलर बी सी एंड व्हाट इज माय हाइपोटेन्यूज ए सी, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3k अपॉन 5k, के से के कट गया और कितना आ गया आपका रिलेशन 3/5 का। ऐसे ही कॉस थीटा देखो, कॉस क्या था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है यहां पर, बेस है यहां पर ए बी और हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी, तो व्हाट इज बेस 4k एंड व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज 5k, के से के फिर चला गया और वैल्यू कितनी आई 4/5। अब साइन की वैल्यू आ गई है, कॉस की वैल्यू आ गई है, चलिए पुट करते हैं नाउ, तो 4 साइन थीटा, साइन इज 3/5 माइनस कॉस थीटा 4/5 प्लस 1 होल अपॉन 4 साइन थीटा 3/5 प्लस कॉस थीटा 4/5 माइनस 1, ठीक है,
ऊपर एलसीएम लेते हैं, 5 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर रह गया 12 माइनस का 4 और प्लस का 5। सिंपल एलसीएम ले रहा हूँ, आप अपने तरीके से लेना चाहो वैसे ले सकते हो। नीचे भी 5 आएगा, 12 प्लस 4 और माइनस का 5, ये 5 से 5 चला गया। ऊपर देखो तो 5 माइनस 4 इज प्लस 1 और प्लस 12 ऊपर आ गया 13, ये हो गया देखो 16, 16 माइनस 5 इज 11। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, द फाइनल आंसर इज 13/11। चलिए 18 क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी है और, मैं तो ठीक है मैं वो लिख देता हूँ, इसको मैं 18B मान लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये काफी आसान है, कह रहा है कि tan ऑफ 2a, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, इज इक्वल टू cot a माइनस 18। तो कह रहा है वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर और में ये वाला क्वेश्चन आ रहा है तो 18 का बी करना आपको ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि ये काफी लेंदी था, ये देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अब लॉजिक सिर्फ ये है, या तो दोनों को यहां tan बनाइए या तो दोनों को यहां cot बनाइए, तभी आपका काम आसान होगा। तो मैं क्या करता हूं, tan को cot बना लेता हूं। अब नियम क्या सीखा है हमने कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, ऐसे cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। अब आप देख लो, आप cot को चेंज करना चाहते हो या tan को, तो मैं tan चेंज कर रहा हूं, तो जहां tan थीटा लिखा है वहां मैं क्या लिख दूं, cot 90 माइनस थीटा, तो मैं लिखा cot 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 2a और cot a माइनस का 18, एक ही चेंज करना है। अब देखो cot से cot तो चला गया, लेकिन कैंसिल आउट मत करना, बस अगले स्टेप पे लिखना मत इसे। तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, a सारे एक तरफ ले लो, तो 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a, जोड़ो ये हो गया 8 और 9 और 1 10, तो 108 इज इक्वल टू 3a, तो 108 अपॉन 3 इज इक्वल टू a, काटिए 3 1 3, 3 3 9, 3 6 18, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, a हो गया 36 डिग्री। देखो छोटा सा सॉल्यूशन था और इसमें आपको पूरे 3 नंबर मिल गए, जबकि ये वाला क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट था 18 का वो काफी बड़ा था। तो ध्यान रखना, दोनों रेशियोज को एक बना लो, या तो दोनों tan बना लो या तो दोनों cot बना लो, तरीका मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला आपको मैंने लिख दिया, आंसर इज 36 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का मैंने फिगर बना दिया, चैप्टर है आपका एरिया बाउंडेड, क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, शेडेड रीजन का एरिया निकालते हैं, वेयर आर्क ड्रॉन विद सेंटर ए बी सी डी। ठीक है, सेंटर दिया है ए बी सी और डी एंड इंटरसेक्ट इन पेयर एट द मिडल पॉइंट पी क्यू आर एस। ओके, पी क्यू आर और एस, ठीक है, ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर की साइड आपको 12 सेंटीमीटर दिए, तो चारों 12 ही हो गए, और कह रहा है कि पाई का वैल्यू आप इसके अंदर 3.14 ही यूज कीजिएगा। तो देखो कुछ दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये चार क्वाड्रेंट बन रहे हैं, तो स्क्वायर में से अगर चार क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करेंगे तो पूरा का पूरा शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कैसे कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, पहले लिख के दिखाइए कि आप क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ, आप सेक्टर लिख दो या क्वाड्रेंट लिख दो आपकी मर्जी है। यहां पर क्वाड्रेंट इसलिए लिख सकते हो क्योंकि देखो यहां पर एंगल कितना है 90 डिग्री, अगर आपको ये एंगल 90 डिग्री नहीं पता होता तो फिर आप क्वाड्रेंट वर्ड यूज नहीं कर सकते थे, आपको सेक्टर वर्ड यूज करना पड़ता। ठीक है, स्क्वायर दिया है ना इसलिए 90 डिग्री, अगर सेक्टर का सेंट्रल एंगल 90 डिग्री होगा तो उसे क्वाड्रेंट कहा जा सकता है। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड कितनी है 12, तो 12 का हो गया स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या एरिया ऑफ सेक्टर एक ही बात है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बस थीटा की वैल्यू कंफर्म है हमारे पास कितनी 90 डिग्री। तो अगला स्टेप देखिए, 144 माइनस अब कितना है 4 थीटा अपॉन 360, मतलब 90 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई को 3.14 लेना है इंटू आर स्क्वायर। अब आर कितना होगा ध्यान से देखो, ये चीज आर के लाएगी, ये चीज आर के लाएगी, लेकिन अपने पास तो आर प्लस आर 2r है, कितना एक तरह से 12, तो व्हाट इज द रेडियस, दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना ये r और ये भी r, ये दोनों r हैं, तो r प्लस r 2r जो कि 12 दिया हुआ है और जो कि हमारे लिए क्या है एक्चुअल में, साइड ऑफ द स्क्वायर, तो बस 2r को 12 के बराबर रखा, r आ गया वहां से मेरा 6, पुट कर दिया, बस अब कैलकुलेशन का पार्ट है। तो 144 माइनस ये तो पूरा चला गया, तो 3.14
इंटू 36 प्लस, अब देखते हैं तो 144 माइनस, अब इसे इंटू कर लो, ये आपके पास आएगा 113.04। बस अब इसको इससे माइनस करते हैं, टोटल आपको अगर माइनस कर ले तो आंसर आएगा 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लीजिए आ गया एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मैं ही पढ़ता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। कह रहा है कि इफ ए बी सी डी चार पॉइंट दिए हैं जिसके वर्टिसेस भी दिए हैं और वो आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेलोग्राम ए बी सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। चलो ठीक है, सबसे पहले एक पैरेलोग्राम बनाते हैं, ठीक है, और सारे वर्टिसेस जो दिए हैं वो लिखते हैं। तो ए बी सी डी इज द पैरेलोग्राम। अब देखो ए बी सी डी के वर्टिसेस क्या है, ये है -2, 1, फिर है आपके पास a, 0, फिर ये है आपके पास 4, b और d के कोऑर्डिनेट है आपके पास 1, 2। अब सबसे पहले कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब ए एंड बी को निकालने के लिए मैं आपको इसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर वाला फंडा यूज करके दिखाऊंगा, देखो काफी आसान रहेगा। अगर आपको ये लगे कि आपको ये तरीका नहीं समझ में आया तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला तो हम कर ही लेंगे, क्यों, अपोजिट साइड्स बराबर होती है ना इसकी, तो वो बराबर रख लेंगे, लेकिन डायगोनल वाले से बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा, देखना भी ध्यान से जरा। तो सबसे पहले मैंने लिखा ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, अगर ओ ए सी का मिड पॉइंट है तो हम लगा सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। चलो मैं इस ए सी लाइन को आपको अलग से बना के दिखा देता हूं तो लगाना ज्यादा आसान रहेगा। ए और सी ये रहा, ए के कोऑर्डिनेट -2, 1, सी के कोऑर्डिनेट 4, b और ओ ये मिड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं। तो क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लिख देते हैं आपको, ये होता है x1 + x2 / 2, ऐसी y1 + y2 / 2। तो लगाओ x1 + x2 तो -2 + 4 / 2, ऐसी y1 + y2 / 2, तो ये y1 ये y2 तो 1 + b / 2। चाहो तो यहां दिखा दो, क्या ये x1 y1 है मेरे और ये मेरे x2 y2 है, ठीक है। तो देखो कितना आ गया ये ओके कोऑर्डिनेट, ये आपके पास आ गया -2 + 4 = +2 / 2 और 1 + b / 2 जो कि कितना आएगा सॉल्व करके पूरा 1, 1 + b / 2। ऐसे जैसे ओ ए सी का मिड पॉइंट है ऐसे ओ बी डी का मिड पॉइंट भी तो है, तो लिखो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है, और निकालो फिर ओके कोऑर्डिनेट। वही सेम तरीका, मैं क्या करता हूं यहां पर पहले एक लाइन अलग बी डी अलग से बनाता हूं आपके लिए। तो बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं a, 0 और डी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1, 2। लगाओ ये भी मान लो x1 और y1 और ये मान लो x2 और y2, फॉर्मूला तो यही है मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2, तो कितना आ गया a + 1/2 और ये हो गया 2/2 = 1। अब पहली बात O के दो कोऑर्डिनेट नहीं हो सकते और अगर हैं तो बराबर ही होंगे, तो बस क्या करूं इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देता हूं, X का कोऑर्डिनेट X से इक्वेट कर देता हूं, Y का कोऑर्डिनेट Y से इक्वेट कर देता हूं और अगले स्टेप पर A और B का वैल्यू आ जाएगा। तो चलो इक्वेट करते हैं, तो a + 1/2 किसके बराबर है 1 के, तो कितना हो गया a + 1 = क्रॉस करो 2 विच इंप्लाइज a = 2 - 1 = 1, तो A का वैल्यू आपके पास 1 आ गया। अब बी का वैल्यू निकाल देते हैं, तो देखो y वाला कोऑर्डिनेट y से कर दो, मैं इधर लिख रहा हूं उसको, ये हो गया 1 + b / 2 = कितना 1 के, तो 1 + b = क्रॉस करो 2 और b का वैल्यू कितना आ गया 2 - 1 = 1। तो क्या पता चला a का वैल्यू 1 आ गया और b का वैल्यू 1 आ गया, तो पहला पार्ट तो हो गया। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट देखो क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। अब जो ए बी की लेंथ होगी वही सी डी की लेंथ होगी, जो बी सी की लेंथ होगी वही ए डी की लेंथ होगी, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरोग्राम आर इक्वल। अब मैं क्या करता हूँ इस पैरोग्राम को फिर से बनाता हूँ और इसकी साइड्स का लेंथ निकाल के दिखाता हूँ। चलिए मैं फिर से बना रहा हूँ इस पैरोग्राम को, ए बी सी और डी, और ए के कोऑर्डिनेट क्या थे अपने पास -2, 1, बी के क्या थे a, 0, लेकिन ए का वैल्यू तो 1 आ गया तो 1, 0, सी के कोऑर्डिनेट थे 4, b मतलब 4, 1, बी भी तो वैल्यू 1 आई है हमारे पास, और डी कितना है अपने पास, डी है अपने पास 1, 2। अब मैं आपसे कहूं कि भाई ए बी का लेंथ चाहिए तो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, तो लेंथ ए बी क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 / y2 - y1 / 2 और पूरा अंडर रूट के अंदर।
अब इसको मैं मान लेता हूँ एक्स वन वाई वन, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स टू वाई टू। तो चलो वैल्यू तो इंसर्ट करनी है बस। तो एक्स टू माइनस एक्स वन, माइनस पहले लगा हुआ है तो प्लस टू का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन तो जीरो माइनस वन का होल स्क्वायर। अगला स्टेप देखो, ये हो गया थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन ही होगा, तो थ्री का स्क्वायर इज नाइन प्लस वन दैट इज इक्वल टू अंडर रूट टेन। और आप दूरी निकाल रहे हो तो यूनिट्स लिखना नहीं भूलना। अब जो ए बी है वही सी डी है, तो कैसे लिखोगे? ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू रूट टेन यूनिट्स। ये लीजिए, एक पेयर तो आ गया साइड का, अब दूसरा पेयर निकालना है, चलिए इसको निकालते हैं। तो बी सी अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला वही, किसी को भी एक्स वन वाई वन मान लो, किसी को भी एक्स टू वाई टू। तो चलो मैं इसको एक्स वन और वाई वन मान लेता हूँ, ये एक्स टू वाई टू मैंने लिखा हुआ है, तो चलो फॉर्मूला तो वही लगाना है। तो लिखो एक्स टू माइनस एक्स वन, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप वन में से फोर माइनस करो, आप फोर में से वन भी माइनस कर सकते हो, स्क्वायर लग रहा है ना, तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं इस बात से। तो फोर माइनस वन का होल स्क्वायर और वन माइनस जीरो का होल स्क्वायर कितना आ गया? फोर माइनस वन इज थ्री, का स्क्वायर इज नाइन, वन का स्क्वायर इज वन, ये भी कितना आ गया? अंडर रूट टेन। और क्या हो गया? यूनिट्स। अब वही बात, जो बी सी है वही आपका ए डी है, तो बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू रूट टेन यूनिट्स। तो देखिए बी सी और ए डी का भी वैल्यू आ गया, तो सारी वैल्यूज आ गई आपके पास। ए और बी हमने पहले निकाल दिया था, और जो चारों लेंथ आई है साइड्स की, मतलब बी सी और ए डी, बी सी और ए डी वो भी रूट टेन आ रहा है, और ए बी और सी डी वो भी रूट टेन आ रहा है। तो ये लीजिए लेंथ ऑफ द साइड्स भी आ गई, ए और बी का वैल्यू भी आ गया, क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का एक बी पार्ट भी है, मतलब एक और में क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इफ ए बी सी डी चार कोऑर्डिनेट्स हैं, इफ ए बी सी डी चार पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, आर द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, पहले नाम लिखते हैं उसका, पॉइंट्स लिखते हैं, कोऑर्डिनेट डालते हैं ए बी सी और डी। ए है आपके पास माइनस फाइव कॉमा सेवन, फिर देखो बी है कितना आपके पास माइनस फोर कॉमा माइनस फाइव, फिर सी है आपके पास माइनस वन कॉमा माइनस सिक्स, और डी है आपके पास फोर कॉमा फाइव। अब एरिया कैसे निकालें? एरिया को डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, तो कोई एक डायगनल जोड़ दो, तो चलो मैंने ए सी जोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा? ट्राइंगल ए डी सी का एरिया निकालूंगा, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालूंगा, और दोनों को जोड़ दूंगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं ए डी सी। ठीक है, इसे मान लेते हैं एक्स वन वाई वन, इसे मान लेते हैं एक्स टू वाई टू, और इसे मान लेते हैं, और इसे मान लेते हैं एक्स थ्री और वाई थ्री। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का? हाफ मॉड के अंदर एक्स वन वाई टू माइनस का वाई थ्री प्लस एक्स वन के बाद एक्स टू, तो जैसे वन टू थ्री, तो टू से स्टार्ट करेंगे तो थ्री माइनस का वन प्लस एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। तो अब जैसे वन टू थ्री, फिर टू थ्री वन, तो यहां से थ्री वन और टू। ठीक है, तो ये है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, एक्स वन, नाउ एक्स वन इज माइनस का फाइव, वाई टू माइनस वाई थ्री, वाई टू माइनस वाई थ्री, तो फाइव माइनस माइनस एक और लगा हुआ है तो प्लस सिक्स हो गया, प्लस एक्स टू, एक्स टू इज फोर, वाई थ्री माइनस वाई वन, तो माइनस सिक्स माइनस वाई वन माइनस सेवन, प्लस एक्स थ्री, एक्स थ्री है माइनस वन, वाई वन माइनस वाई टू, तो वाई वन इज सेवन माइनस का वाई टू इज फाइव। ये लीजिए अगला स्टेप, हाफ माइनस फाइव बाहर, ग्यारह प्लस फोर, ये हो गया माइनस का थर्टीन टू। नेक्स्ट हाफ माइनस का 55, माइनस का देखो कितना आएगा, 13 फोर जा 52, माइनस का 2, मॉड लगा हुआ है ध्यान रखना, हाफ। अब ये कितना हो गया, तीनों माइनस में ही है ना, ये हो गया आपका 100, 107 और 109, लेकिन माइनस का, लेकिन इस माइनस का कोई फायदा ही नहीं क्योंकि मॉड लगा हुआ है ना, तो ये कितना हो गया 109 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो देखिए ए डी सी का ट्राइंगल का एरिया आ गया, ऐसी मैं अब ए बी सी का निकालूंगा और दोनों को जोड़ दूंगा। चलिए फिगर मैंने फिर से बना दिया, इस बार ए बी सी का एरिया निकालना है। ठीक है, अब इसको माना एक्स वन वाई वन, इसको माना एक्स टू वाई टू, और इसको माना एक्स थ्री वाई थ्री। यहाँ एक्स वन वाई वन या एक्स टू वाई टू या एक्स थ्री वाई थ्री मानने का कोई नियम नहीं है, बस किसी को भी मान सकते हैं, लेना साइक्लिक। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं, एरिया इज इक्वल टू हाफ
एक्स वन, तो वाई टू माइनस का वाई थ्री प्लस एक्स वन के बाद एक्स टू, तो वाई थ्री माइनस का वाई वन प्लस एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, वन टू थ्री, टू थ्री वन, तो थ्री से स्टार्ट करेंगे तो वन माइनस का टू। चलिए वैल्यूज डालते हैं, तो हाफ एक्स वन, एक्स वन इज माइनस फाइव, वाई टू माइनस वाई थ्री, तो हो गया माइनस फाइव, वाई थ्री माइनस सिक्स तो प्लस सिक्स, प्लस एक्स टू, एक्स टू इज माइनस फोर, वाई थ्री माइनस वाई वन, तो माइनस सिक्स माइनस वाई वन माइनस सेवन, प्लस एक्स थ्री, एक्स थ्री इज माइनस वन, वाई वन माइनस वाई टू, तो वाई वन इज सेवन माइनस का वाई टू, वाई टू इज माइनस फाइव, तो प्लस हो गया और मॉड लग गया, तो हाफ मॉड माइनस फाइव ये प्लस वन, माइनस फोर माइनस थर्टीन, माइनस वन और बारह। अगला स्टेप देखिए, माइनस हाफ बाहर है, तो माइनस फाइव प्लस थर्टीन फोर ज़ा फिफ्टी टू और माइनस का ट्वेल्व, कितना आएगा, हाफ बाहर है मॉड के अंदर, तो फिफ्टी टू तो प्लस का है और माइनस का हो गया सेवनटीन, तो हाफ ये कितना बचेगा, तो बारह में सात गया पाँच, तो चार में से एक गया तीन, तो ये हो गया प्लस का थर्टी फाइव अपॉन टू सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों ट्राइंगल का एरिया आ गया ना, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू पहले वाले ट्राइंगल का एरिया जो कि है 109 अपॉन टू, और दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया 35 अपॉन टू। एलसीएम लीजिए, टू एलसीएम आ जाएगा इसका, तो जोड़िए तो 9 और 5 14, एक कैरी हो गया, 3 और 1 4 और 1, तो ये आ गया 27 जा 14 और 22 जा 4, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, दैट इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, कोई एक डायगोनल जोड़ के दो ट्रायंगल बनेंगे, दोनों ट्रायंगल के एरिया को आप सेपरेटली निकालोगे और लास्ट में ऐड कर दोगे, तो फाइनल आंसर आया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 21 क्वेश्चन है कि फाइंड एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। अब एक नंबर को मैं पीएक्स मान लेता हूं जो कि मुझे 404 दिया हुआ है, और एक नंबर को मैं क्यूएक्स मान लेता हूं जो मुझे 96 दिया हुआ है। फिर कह रहा है वेरीफाई दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम, ये वेरीफाई करना है, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स, मतलब पी एक्स को इंटू क्यू एक्स करूंगा तो वो इसके बराबर आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले सेपरेटली क्या करते हैं, एस सी एफ निकालते हैं, फिर एल सी एम निकालते हैं और फिर वेरीफाई करेंगे इसको, ठीक है। तो 404, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 0 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है, आगे तो सॉल्व हो नहीं पाएगा। 96 चेक करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6। अब जरा एस सी एफ की बात करें तो 404 और 96 में एस सी एफ क्या होगा, जो कॉमन होंगे टर्म्स, तो देखिए 2 और एक और 2, तो ये कितना आ गया 4। अगर डायरेक्ट एलसीएम की बात करूँ 404 और 96 के, तो देखो इसी में से ही आंसर आ जाएगा। पहले क्या करो, पहले तो वो लिखो जो आपका एचसीएफ आया है, मतलब जो कॉमन टर्म्स है पहले वो लिख लो। अब जो बच जाए यहाँ पे सारा लिख दीजिए, इंटू 101, जो बच 2 to the 4 to the 8 3 the 24, अब बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बस यही आपका एलसीएम आ जाएगा। तो देखो मल्टीप्लाई करके आ रहा है 9696, ठीक है, ये सारा काम तो हो गया। चलिए अब वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई में सबसे पहले लिखते हैं एलएचएस, वो कितना है एचसीएफ इनटू एलसीएम, तो एचसीएफ आया मेरा 4 और एलसीएम आया मेरा 9696। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा, आ रहा है 38784, ठीक है। अब आरएचएस, तो ये पता चल जाएगा आंसर सही है क्या नहीं, पीएक्स इनटू क्यूएक्स मतलब 404 और इनटू 96, तो इसका सॉल्यूशन भी आ रहा है 38784, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गया है, तो हैंस वेरीफाइड और मेरा आंसर भी आ गया। ये लीजिए क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 लिख देते हैं, तो जीरोज है ना, तो एक्स की वैल्यू को ही बोलते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू 2 + √3, और यहाँ देखिए एक्स इज इक्वल टू 2 - √3, क्या करिए, सबको इस तरफ ले आइए, तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस का 2 - √3 इज इक्वल टू 0, यहाँ एक्स माइनस का 2 और प्लस का √3 इज इक्वल टू 0। अब देखो जरा a माइनस बी ए प्लस बी, तो आइडेंटिटी क्या हो गई, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो खोलिए वैल्यू a माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 × a × b माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 - 4x - 3 इज इक्वल टू 0, और सॉल्व करके पूरा कितना आएगा, एक्स स्क्वायर
माइनस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका डिवाइजर आ गया। तो आपको जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उससे इस डिवाइजर को हम डिवाइड करेंगे और दो बचे हुए रूट्स निकाल लेंगे। देखो डिवाइजर में लिख दिया, डिविडेंड में लिख दिया, चलिए डिवाइड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर में कितना मल्टीप्लाई करें, 2x की पावर 4 आ जाए, तो पक्की बात है 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये लीजिए 2x की पावर 4। अब माइनस 4x से मल्टीप्लाई कीजिए 2x स्क्वायर को, तो कितना आएगा माइनस का 8x क्यूब, ये लीजिए। और प्लस 1 को प्लस 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 2x स्क्वायर से, तो प्लस का 2x स्क्वायर। सिंपल लॉन्ग डिवीजन मेथड कर रहे हैं, साइन चेंज कीजिए, एक का किया तो सबका करना पड़ेगा। ये गया, ये कितना आ गया, गया माइनस का एक्स क्यूब, और ये आ गया प्लस का 3x स्क्वायर, फिर प्लस का 3x और माइनस का 1, जो बचा हुआ है सारा लिख लो। ठीक है, अब फिर से भाई एक्स स्क्वायर में कितना मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स क्यूब आ जाए, तो माइनस एक्स करना पड़ेगा, तो माइनस का एक्स क्यूब, माइनस 4x को माइनस एक्स से, तो प्लस का 4x स्क्वायर हो गया, और प्लस 1 को माइनस एक्स से, ये हो गया माइनस का एक्स। फिर से साइन चेंज कीजिए, प्लस माइनस और ये प्लस, ये तो चला गया, ये कितना आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ गया प्लस का 4x और माइनस का 1। फिर से भाई एक्स स्क्वायर में कितना मल्टीप्लाई करें कि माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाए, माइनस का 1 करना पड़ेगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 4x को माइनस 1 से, प्लस का 4x, प्लस 1 को माइनस 1 से, माइनस 1। चलिए फिर साइन चेंज कीजिए, ये लीजिए मैंने फिर साइन चेंज किए, तीनों कट गए, 0 आ गया। तो कितना आया मेरा डिविडेंट, ये सही से आया डिवाइजर इंटू क्वेश्चेंट, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 इंटू क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तो जीरो ही निकालने हैं ना। तो पुट एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो जो आपका ये एफ एक्स आया इसको 0 के बराबर रख दीजिए। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब मुझे एक बात यहां पर पता है, वो क्या कि ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इससे तो वही आंसर आएगा जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, बस इसे सॉल्व कर लेता हूं। तो लिखने का तरीका देख लो, आइदर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो वही दो वैल्यूज हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको तो सॉल्व करने का कोई जरूरत है नहीं, मेन इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसी को सॉल्व कर देते हैं इधर, तो 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, स्प्लिटिंग करते हैं तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैं क्या कर रहा हूँ, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अगला स्टेप, पहले दो में से कॉमन लो, 2x कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 कॉमन लो, कुछ भी नहीं आ रहा तो प्लस 1 ही आएगा, कितना बचा x माइनस 1, फिर कितना आ गया x माइनस 1 और बचा हुआ कितना 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर देखो दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में हो गए दोनों 0 के बराबर। तो लिखने का तरीका, आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x वैल्यू कितनी आ गई 1 और यहाँ कितनी आ गई, ये आ गई आपके पास माइनस का 1/2। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब दो जीरोज तो क्वेश्चन में ही गिवन थे तो उसकी तो जरूरत नहीं है, अदर टू जीरोज कौन से, 1 और माइनस हाफ, लेकिन फाइंड ऑल द जीरोज लिखे तो कैसे लिखेंगे, ऑल जीरोज आर क्या क्या, 2 प्लस रूट थी, 2 माइनस रूट थी जो क्वेश्चन में गिवन है, और एक्स का वैल्यू 2 हमने निकाला, 1 और माइनस का हाफ। तो ये है टोटल मिला के 4 जीरोज, और चार वैल्यूज किस लिए आ रही हैं, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है हमारे पॉलिनोमियल की वो 4 है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं, सेक्शन सी तक का सारा कंप्लीट हो गया, बस अब सेक्शन डी रह गया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करके देंगे। तो चलिए वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल मैथ्स फिलीज को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।